हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बढ़िया होंगे। तो फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट का 10वां बीबीडी सेल स्टार्ट करने वाला है 8 अक्टूबर से। तो इस सेल के अंदर मेरे को कुछ ऐसा स्मार्टफोन डील्स के बारे में पता लगा है जो सच में एक क्रेजीएस्ट डील है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारे क्रेजीएस्ट स्मार्टफोन डील के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब अफोर्डेबल से स्टार्ट करके फ्लैगशिप लेवल तक हर एक स्मार्टफोन डील, जहां पर ओवर 30,000, 20 to 30,000, 10 to 20,000 और अंडर 10,000 सभी स्मार्टफोन डील होने वाला है। और इन सारे प्राइस रेंज पर स्मार्टफोन का क्रेजीएस्ट डील सुनने के बाद अब भी लिटरली हैरान हो जाओगे। और इन सारे डील के अंदर बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन सारे डील इंक्लूड है। तो चलो सारे प्राइस रेंज पर सबसे बेस्ट से बेस्ट जो डील है उन सारे डील्स को देखते हैं। तो सबसे पहले अंडर 10,000 कैटेगरी की बात करें तो अंडर 10,000 कैटेगरी पर तीन ऐसा स्मार्टफोन है जिनका प्राइस देखने के बाद भाई मैं लिटरली शॉक्ड हो गया। तो अंडर 10,000 पर सबसे पहला स्मार्टफोन है पोको की तरफ से आने वाला पोको M5। ये ऑब्वियसली 4G स्मार्टफोन है, यहाँ पर कोई 5G तो नहीं है, लेकिन इसका अभी जो प्राइस है फ्लिपकार्ट के ऊपर, इसका एक वेरिएंट है 4GB 64GB जिसका प्राइस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 7,777 रुपीज, मतलब क्वाड 7। बट इस प्राइस के ऊपर भी ICICI क्रेडिट कार्ड पर 778 रुपीज का कैशबैक है, मतलब ये स्मार्टफोन आप लोगों को सिर्फ 6,999 रुपीज, मतलब 7,000 के नीचे मिल जाएगा। और 7,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर 6.58 इंच फुल HD प्लस LCD पैनल मिल जाएगा। गेमिंग के लिए जो प्रोसेसर है ना भाई, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये प्रोसेसर अंडर 10,000 पर किसी भी स्मार्टफोन पर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन पोको ने इस बार दे दिया है 7,000 के नीचे, और क्या हो सकता है। तो प्रोसेसर का नाम है MediaTek Helio G99, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जहाँ पर मेन सेंसर 2MP, 2MP मैक्रो, 2MP डेप्थ और 8MP का फ्रंट कैमरा भी है। सो इन सारे कॉम्बिनेशन को पोको ने सिर्फ 7,000 पर दे रहा है, सो एक बहुत ही क्रेजी डील बोल सकते हो। अंडर 10,000 पर नेक्स्ट डील की बात करें तो मोटो G32, ये एक 4G स्मार्टफोन है, इसका अभी के टाइम पर प्राइस है 10,000, लेकिन ICICI और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट है। सो ये स्मार्टफोन आप लोगों को 9,000 पर मिल सकता है, और 9,000 के हिसाब से इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो गाइस मेरे को पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को अंडर 9,000 6.5 इंच फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाएगा। रैम और रोम की बात करते हो, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन 680 एक पावरफुल ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिल जाएगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हो, 50MP मेन सेंसर, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP डेप्थ सेंसर रियर साइड के ऊपर, फ्रंट कैमरा है 16MP का। तो अंडर 10,000 पर एक कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो मोटो G32 परफेक्ट ऑप्शन है भाई साहब। सो गेमिंग और कैमरा दोनों के लिए आप लोग मोटो G32 को कंसीडर कर सकते हो। अंडर 10,000 पर नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो वो भी पोको की तरफ से, पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन अंडर 10,000 का मोस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन, जहां पर गेमिंग मक्खन के जैसे चल जाता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 जैसे एक ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जिसका पावर भाई 10,000 के सबसे काफी बढ़िया है, मतलब आप फ्री फायर BGMI कुछ भी खेल सकते हो, ज्यादा लैग नहीं होगा, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स पर अच्छा चल जाएगा। इसके अलावा 6.79 इंच फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज वाला LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। बैक साइड के ऊपर ग्लास फिनिश है जो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। 50MP मेन सेंसर है, 2MP मैक्रो सेंसर और 8MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जहां पर एक ही वेरिएंट आप लोगों को मिलेगा अंडर 10,000 पर, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 5000mAh का बैटरी है, बॉक्स के अंदर एक 33W का फास्ट चार्जर भी है। तो अंडर 10,000 मिल रहा है ये स्मार्टफोन। इस स्मार्टफोन का अभी प्राइस है 9,999 रुपीज, मतलब 10,000 रुपीज, लेकिन आफ्टर बैंक ऊपर 1,000 का कैशबैक है, सो 9,000 पर मिल जाएगा। और 9,000 के हिसाब से पोको M6 Pro वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अंडर 10,000 पर तीन स्मार्टफोन है, दो पोको का, एक मोटो का। अगर पोको का स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हो तो मोटो की तरफ जा सकते हो, डील बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस नेक्स्ट कैटेगरी है 10 to 20,000। 10 to 20,000 पर पांच ऐसे स्मार्टफोन डील से जो मेरे को पर्सनली काफी बढ़िया लगा है। तो पहला स्मार्टफोन की बात करें तो पोको की तरफ से पोको X5 5G। इस स्मार्टफोन का 6 128GB वेरिएंट आप लोगों को बिग बिलियन डे सेल पर सिर्फ 14,000 पर मिल जाएगा, लेकिन 1,000 का कैशबैक है, सो 13,000 के अंदर मिल सकता है।
और 13,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर क्रेजीएस्ट कुछ फीचर्स है, जैसे 6.67 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 5,000 एमएच बैटरी, 33 वाट फास्ट चार्जर, 48 एमपी रियर कैमरा, पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक निकल कर देगा, बहुत बढ़िया तो नहीं है। उसके साथ स्नैपड्रैगन 695 का एक पावरफुल 5G प्रोसेसर, और अंडर 13,000 के हिसाब से मेरे को हर एक स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है, तो इस डील को आप एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट डील है पोको की तरफ से, पोको X5 Pro 5G। ये स्मार्टफोन आप लोगों को बिग बिलियन डे सेल पर सिर्फ 18,000 पर मिल जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी ICICI क्रेडिट और एक्सिस क्रेडिट पर 1,500 का कैशबैक है। सो सारे 16,000 के अंदर एक बहुत बढ़िया डील हो सकता है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर भी आप लोगों को 6.67 इंच फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट है, 5000 एमएच बैटरी है, 67 वाट का फास्ट चार्जर इन बॉक्स देखने मिलता है, 108 एमपी का मेन रियर कैमरा है, 16 एमपी फ्रंट कैमरा है, लेकिन कैमरा परफॉर्मेंस बिलो एवरेज बोल सकते हो, बिलो एवरेज नहीं एवरेज बोल सकते हो, बहुत बढ़िया तो नहीं। उसके साथ आप लोगों को 6 128 GB वाला वेरियंट देखने के लिए मिल जाएगा, और प्रोसेसर तो भाई काफ़ी पावरफुल है 16,500 प्राइस इन फैक्ट, स्नैपड्रैगन 778G, जिसको आप गेमिंग या मल्टीटास्किंग या ऑलराउंडर स्मार्टफोन के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आप लोगों को एक बहुत बढ़िया डील यहाँ पर पोको ने प्रोवाइड कर रहा है। अंडर 20,000 पर नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करें तो मोटो की तरफ से मोटो G84 5G, ये काफी बढ़िया ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन का अभी प्राइस है 18,000 रुपीज, लेकिन ऑफर पर आप लोगों को 1000 का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा, सो 17,000 पर आप लोगों को मिल सकता है। और 17,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 12GB रैम, 256GB स्टोरेज वेरिएंट है, सो हायर रैम और स्टोरेज वेरिएंट आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ 5000 एमएच बैटरी, बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर, स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर, 50MP वॉइस कैमरा, 16MP फ्रंट कैमरा, तो एक पूरा ऑलराउंडर स्मार्टफोन बोल सकते हो मोटो G84 को। उसके साथ क्लीन UI एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो इस प्रेजेंट पर किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड आप लोगों को नहीं देगा। तो हमारा थर्ड नंबर पर ये स्मार्टफोन आता है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर पर है मोटो की तरफ से मोटो H14 Neo। ये भी एक काफी बढ़िया शानदार स्मार्टफोन है 20,000 के नीचे। इस स्मार्टफोन का अभी प्राइस है बेस वेरिएंट 8GB रैम, 128GB का 21,000, लेकिन सेल के अंदर 2,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो 19,000 पर इजिली ये स्मार्टफोन आप लोगों को मिल जाएगा। और 19,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा 6.55 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड कर्व डिस्प्ले, IP68 का रेटिंग, 5000 एमएच बैटरी, 68 वाट फास्ट चार्जर, 50MP रियर कैमरा प्लस 2MP डेप्थ, और जो फ्रंट कैमरा है 32MP का, तो कैमरा क्वालिटी पर बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों को करना पड़ेगा प्रोसेसर के ऊपर, क्योंकि प्रोसेसर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, डायमंडसिटी 7030 वाला एक प्रोसेसर मिल जाएगा। सो प्रोसेसर प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक है, नॉर्मल डे टू डे मल्टीटास्किंग या नॉर्मल गेम भी खेल सकते हो, मतलब हेवी गेम तो नहीं चलेगा, लेकिन नॉर्मल गेम आप लोग इजीली खेल पाओगे। तो अंडर 20,000 पर यह स्मार्टफोन एक काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, तो इस स्मार्टफोन की तरफ एक बार जरूर देखना। नेक्स्ट स्मार्टफोन है गाइस इन्फिनिक्स के तरफ से इन्फिनिक्स GT10 Pro। अगर आप कोई गेमिंग स्मार्टफोन लेने जाते हो तो 20,000 पर, तो इस स्मार्टफोन के तरफ एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह स्मार्टफोन मेरे हिसाब से अंडर 20,000 का बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा मीडियाटेक डायमंडसिटी से 8050, एक बहुत ही बढ़िया पावरफुल, वन ऑफ द बेस्ट प्राइस रेंज के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर, एंटू मेमोरी स्कोर 7 लाख के ऊपर, मतलब BGMI भी 90 FPS पर चल जाता है। सो गाइस सोच सकते हो फ्री फायर तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर आराम से चल जाएगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर 6.67 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज वेरिएंट है, 108MP का रियर कैमरा मिल जाएगा, मेन सेंसर, 32MP का फ्रंट कैमरा है, 5000 एमएच बैटरी है विथ 45 वाट इन बॉक्स चार्जर, तो एक पावर पैक्ड स्मार्टफोन अगर लेना चाहते हो तो इन्फिनिक्स के तरफ जाना, क्योंकि इन्फिनिक्स का जो गेमिंग परफॉर्मेंस है GT10 Pro का, वो गाइस इस प्राइस रेंज पर आप लोगों को किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड नहीं देगा, इसलिए इन्फिनिक्स GT10 Pro मेरे हिसाब से अंडर 20,000 का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है।
20,000 के बाद नेक्स्ट कैटेगरी है 20 to 30,000 और अंडर 30,000 आप लोगों को चार ऐसे स्मार्टफोन डील्स बताऊंगा जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील्स होगा। तो अगर आप लोग गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो यह स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का नाम है पोको F5 5G। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 2 प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, जिसको आप स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के साथ कंपेयर कर सकते हो। सेम जीपीयू सीपीयू वाला प्रोसेसर है। सो इतना ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर वो भी अंडर 30,000 किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर गए। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर फुल HD प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, 5000mAh बैटरी है विथ 67W फास्ट चार्जर, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, 15MP का मेन सेंसर है मिल जाएगा, 16MP फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। तो कैमरा परफॉर्मेंस उतना बढ़िया तो नहीं है क्योंकि ये एक गेमिंग डिवाइस है। तो गेमिंग डिवाइस होने के नाते इस स्मार्टफोन का प्राइसिंग की बात करें तो अभी 22,000 का है, लेकिन सेल के अंदर 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट है क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक्सिस और ICICI का। तो ये स्मार्टफोन आप लोगों को सिर्फ 21,000 पर मिल जाएगा और 21,000 के होने के नाते मेरे हिसाब से पोको F5 5G सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वाला डिवाइस है। इसके अंदर आप लोग गेम प्रो मक्खन के जैसे खेल सकते हो। नेक्स्ट भाई लोग, अगर 30,000 के अंदर एक बहुत बढ़िया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन की तरफ एक बार जरूर देखना। स्मार्टफोन है नथिंग फोन 1। इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 778G प्लस चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, जो प्राइस के हिसाब से काफी पावरफुल तो नहीं, लेकिन हाँ आप लोगों को ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकल कर देगा। उसके साथ 8GB रैम, 128GB स्टोरेज मिल जाएगा और 120Hz सुपर एमोलेड पैनल है, 4500mAh मैसिव बैटरी है। उसके साथ ही बॉक्स के अंदर तो कोई चार्जर नहीं है, लेकिन 45W चार्जिंग को यह स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। 50MP मेन सेंसर है, 50MP अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा और 16MP का फ्रंट कैमरा है। और अंडर 30,000 इस स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हो। तो अंडर 30,000 कोई एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने जाते हो तो इस स्मार्टफोन को देखना। इस स्मार्टफोन का अभी प्राइस है 27,000, लेकिन सेल के अंदर 3,000 रुपीज का कैशबैक है, मतलब 24,000 के अंदर यह स्मार्टफोन आप लोगों को मिल सकता है। इसलिए ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो नथिंग फोन 1 की तरफ अब लोग जरूर जा सकते हो। अंडर 30,000 पर नेक्स्ट स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से, रियलमी GT 2 Pro। ये भी गाइस एक बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन है, क्योंकि इस स्मार्टफोन का अभी प्राइसिंग की बात करें तो ये स्मार्टफोन अब लोगों को 128GB रैम, 128GB मिल जाएगा 28,000 पर, लेकिन सेल के अंदर 1,000 का बैंक डिस्काउंट है। सो 27,000 के अंदर आप लोगों को मिल सकता है और 27,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 4 जेन 1 जैसे पावरफुल चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, 5000mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग, उसके साथ 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 50MP मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रा वाइड, 2MP डेप्थ, उसके साथ 32MP का फ्रंट कैमरा। सो एक बहुत ही पावरफुल स्मार्टफोन के साथ कैमरा क्वालिटी भी आप लोगों को ठीक ठाक निकल कर देगा। इसलिए इस स्मार्टफोन का आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये डील भी मेरे हिसाब से काफी बढ़िया डील हो सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट भाई लोग, अगर अंडर 30,000 पर कोई बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो इस स्मार्टफोन की तरफ एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 2023 एडिशन। इस स्मार्टफोन का प्राइस अभी तो फ्लिपकार्ट के ऊपर सो रहा है 50,000, लेकिन सेल के अंदर अब लोगों को आराम से अंडर 30,000, मतलब 29,999 रुपीज़, मतलब अंडर 30,000 मिल जाएगा। और अंडर 30,000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को 120Hz सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, 4500mAh बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई फास्ट चार्जर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और जो कैमरा सेटअप है ना वो भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 12MP मेन सेंसर, 12MP अल्ट्रा वाइड, 8MP डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, 32MP का फ्रंट कैमरा है। और इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है ना अंडर 30,000 किसी भी स्मार्टफोन इसका कैमरा को बीट नहीं कर सकता है। तो अंडर 30,000 अगर कोई कैमरा वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहा है तो अब लोगों के लिए सैमसंग गैलेक्सी S21 FE काफी बढ़िया एक ऑप्शन हो सकता है। तो भाई लोग 30,000 के बाद हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है 30 to 40,000 और अंडर 40,000 पर दो ऐसा स्मार्टफोन है जो मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील लगा है।
तो पहला डील की बात करें तो नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 2। ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होता तब इसका 8GB रैम 128GB स्टोरेज का प्राइस था 45,000 रुपीज, लेकिन सेल के अंदर 42,000 पर मिल जाएगा। उसके साथ ICICI और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर 4,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट है। तो यह स्मार्टफोन आप लोगों से 38,000 पर मिल सकता है, बट फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी इस स्मार्टफोन का ऑफर प्राइस देखने के लिए मिल रहा है 33,000। तो और भी 5,000 आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप किसी स्मार्टफोन को एक्सचेंज करोगे, मतलब एक्स्ट्रा एक्सचेंज के ऊपर 5,000 का कैशबैक है। बट विदाउट एक्सचेंज 38,000 पर भी यह स्मार्टफोन एक काफी बढ़िया स्मार्टफोन है, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 एक ऑक्टाकोर पावरफुल गेमिंग चिपसेट। उसके साथ कैमरा क्वालिटी भाई एकदम धासु है, 50MP का मेन सेंसर, 50MP अल्ट्रा वाइड, 32MP का फ्रंट कैमरा, 120Hz सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, 8GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है। तो मेरे हिसाब से काफी सही डील है 38,000 के हिसाब से, इसलिए नथिंग फोन 2 की तरफ आप लोग एक बार देख सकते हो अगर आप लोगों का बजट 38,000 to 40,000 है तो। तो भाई लोग अंडर 40,000 पर हमारा नेक्स्ट डील है iPhone 12। iPhone 12 सेल के अंदर आप लोगों को सिर्फ 39,000 पर मिल जाएगा। उसके साथ 3,000 का एक्सचेंज ऑफर और बैंक डिस्काउंट 3,000, मतलब 6,000 का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है, और ये स्मार्टफोन डिस्काउंट के बाद 33,000 का पड़ जाएगा। लेकिन एक्सचेंज को अगर छोड़ दोगे, मतलब 3,000 अगर छोड़ दोगे, आपके पास अगर एक्सचेंज करने के लिए कोई स्मार्टफोन नहीं होगा तो 3,000 नहीं मिलेगा, इसलिए 36,000 अगर मान के चलो तो 36,000 के हिसाब से आईफोन एक काफी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर 36,000 प्राइस रेंज के हिसाब से आप लोगों को 6.1 इंच सुपर रेटिना डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज है, पावरफुल A14 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलता है, 12MP मेन सेंसर, 12MP अल्ट्रा वाइड और 12MP का एक फ्रंट सेंसर भी है। बैटरी थोड़ा सा कम है, 2800mAh का एक बैटरी देखने के लिए मिल जाएगा। तो 36,000 पर iPhone 12 एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो सकता है आप लोगों के लिए, बट हाँ थोड़ा सा स्टोरेज पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 64GB स्टोरेज मिलेगा जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर 128GB होता तो थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन आप लोगों को अगर सिर्फ आईफोन ही चाहिए तो आईफोन 12 के तरफ देख सकते हो, ये भी काफी सही डील है स्टोरेज को कंसीडर करते हुए। तो भाई जब फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के अंदर अंडर 40,000 जो सारे अच्छा खासा डील्स था स्मार्टफोन के ऊपर, सारे डील्स मैं आप लोगों को बोल दिया, और प्राइस ड्रॉप के बाद कितना देखने के लिए मिलेगा, उसके साथ एक्सचेंज या नॉर्मल कार्ड ऑफर के बाद कितना मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स पर बोल दिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और आप लोगों को इन स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना है वो भी कमेंट पर जरूर लिख देना। तो चलो आज के वीडियो पर तो इतना ही, अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो भाई के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलता है और इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।